30 मई 2022 नवग्रह शिव महापुराण कथा जो हैदराबाद तेलंगाना में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही है। इस कथा के छठवें दिन गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जिसको आपको हमेशा याद रखना है और जब जरूरत आए तब आप इसका उपयोग करें। बहुत ही उपयोगी उपाय है। जो व्यक्ति वेंटिलेटर में हो, बीमार हो, उसके लिए इस उपाय को कोई भी कर सकता है। बस उपाय को करते समय आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां पे आपको जल अर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर लगी जलाधारी को, जो शिव भगवान की 5 बेटियों का स्थान है, जया, विशाखा, दौतली, शामली वाली, देव, ये शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब यहीं पर आपको ध्यान से सुनना है। तो आपको शिवलिंग के ऊपर लगी जलाधारी को देखते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। मतलब शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपको ऊपर लगी जलाधारी, जिससे एक एक बूंद करके जल नीचे गिरता है, उसको देखना है। जैसा हम आपको वीडियो में भी दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, विश्वास कहता है व्यक्ति वेंटिलेटर से नीचे उतरेगा, भोलेनाथ कृपा जरूर करेंगे और वह ठीक हो जाएगा। बस उपाय को दिल से करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।